हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हमारी सुबह हो गई है और टुगू भी उठ गई है। आ जाओ आ जाओ, गुड मॉर्निंग करो, जल्दी करो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, अभी जाते हैं हम नीचे वाले घर में, तो अभी करते हैं हमने दिन की शुरुआत। और देखते जाइए कि आज हम क्या क्या करेंगे, तो देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो पे। अभी आ गई हूँ मैं सुबह का गोबर लेके। अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ वापस, एक बार आपको सुबह का मौसम दिखा देती हूँ। कल रात को भी बारिश हुई, धुंध ही छाई हुई है। हेलो नर्चू, नाई नहीं कर रहे? सीधम सीधम ताई का है, ताई का है। ये देखो चक्षु भी नाई नहीं है, आप घर में आपने नाई दीदी को नाई नहीं। चलो आपको भी नलाती मैं, चलो नीचे। तो अभी हमारा ना ब्रेकफास्ट हो गया है और अब आ गए हम सीधे खेत घास लाने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश कभी भी हो सकती है। फटाफट घास काट लेते हैं। निकाल दिया है ये, हमने बैलों के लिए निकाला और ये गाय के लिए निकाल दिया है। तो मम्मी गए हैं छैन निकालने, पहले हम ले जाएंगे बैल वाला घास दोकरा और छैन भी, फिर ले जाएंगे घर को दूसरा घास। पसीने से बुरे हाल हो गए हैं और अभी प्यास भी लगी है। अब जाएंगे हम फटाफट, छैन हमने दोकरे में पहुंचा दिया है और अब आ गए हम हरा घास लेके घर को। आज हमने ज़्यादा भारी भारी भारे नहीं लाए हैं क्योंकि फिर थक जाते हैं। तो अब चल रहे हैं हम रास्ते पे। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं गैस पे। बिना मैं तड़का दे रही हूँ क्योंकि दाल तो हमारी बची हुई है, अजमेर की हम साथ में ही करेंगे। तो प्याज मैंने काट दिया है और साथ में डालेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च से ना बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है। मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। कढ़ी में ना मैं बेसन ऐड करूँगी क्योंकि बेसन से काफ़ी अच्छी बनती है कढ़ी। इसको मैंने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है अच्छे से बेसन को, और चावल मेरे बनके हो गए हैं तैयार।
हाँ, मैंने तड़का लगा दिया है। आपको ये मेरी कढ़ी थोड़ी काली काली जैसे नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये ना मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है। हम ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, तभी करके ना ये आपको ऐसी काली जैसे नज़र आ रही होगी। तो फिर आज लेंगे हम कढ़ी चावल का मज़ा। ये हो गई है तैयार। अब थोड़ी देर बाद खाना बनाने के बाद आ गई हूँ मैं। गाय को घास दे दिया है और ये छन्नू को जोड़ियाँ दे दी है। देखो कैसे खा रहे हैं। तो अभी कर रहे हैं हम लंच। नक्शी भी खा रही है। हमारा लंच हो गया है और अब आ गई हूँ मैं थोड़ी देर सोने, क्योंकि टुगू ना अपनी ताई के घर चली गई है और उसने खाना भी वहीं पे खाया और सो भी गई अपने भैया के साथ। तो अभी मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। सोने के बाद ना जब हम उठे तो उसके बाद आज हमारे यहाँ पे एक मेला है माता का। माता जाती है वहाँ पे, तो अभी हम माता को ही देख के आए, क्योंकि माता की मेला मेले को हम लोग तो नहीं गए पर बाकी लोग गए। मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। ओ देखो जय हो, जय हो। ये ना ये देती आशीर्वाद है, थोड़ी ऐसे जाती है कोई। अखरोट वाली रोटियाँ। पहले हम इसके छिलके उतारेंगे और इसके लिए पता क्या करना पड़ता है, पहले आटा हम गूंद के रखेंगे, इस डाल के दो तीन